नमस्कार, मैं हूँ पंकज कुमार सिन्हा। आप देख रहे हैं अभी नवादा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आर पी साहू, जिनका व्यक्ति नवादा में किसी से छुपा नहीं है, वे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पढ़ाई में, डिग्री में, सामाजिक सेवा में इनके जैसा कोई नहीं है। ये नवादा वासियों के दिलों पर राज करते हैं। नवादा के विकास के लिए ये खुद चाहते हैं कि एक ऐसा मौका मिले जो विकास का काम आए। ये खुद कमाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के पैसे से अब तक का सामाजिक काम करते आए हैं। आइए सुनते हैं वो किस मुद्दे पे नवादा में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें क्या उम्मीद है और किसके भरोसे वो चुनाव लड़ रहे हैं। माँ साहब नमस्कार, ये बताइए किस मुद्दे को लेकर आप नवादा विधानसभा चुनाव मैदान में? जैसा कि मुद्दा पहले भी मैं कह चुका हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा अब मेरा कुछ प्रायोरिटी में आ गया है, गरीबों की सेवा, दलितों की सेवा, महादलितों की सेवा। मैं गांव का घुमाऊ तो जहाँ देख रहा हूँ, रोते बिलखती महिलाएं, टूटा फूटा मकान, टूटी फूटी गलियां, सड़क नहीं, नाली नहीं। मैं उनको मदद करूँगा सबसे पहले, उसके बाद जो सरकारी सुविधाएँ हैं उनकी मुहैया कराऊँगा। शिक्षा पर आऊँ तो करोड़ों अरबों रुपया एक जिला या अरबों रुपया बर्बाद होता है शिक्षा में सुधार के लिए, इसलिए शिक्षा का सुधार। और हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है सैकड़ों एक पड़ती पड़ी है, लोग मुहैया नहीं करा पा रहे हैं कि हमारे बेरोजगारों को जो जमीन मुहैया करा दें ताकि छोटे छोटे उद्योग लगा सकें। जो भी एक दो उद्योग है बेचारे टूट रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे बैंकों द्वारा दौड़ाता जा रहा है, बिजली का गहना बेच कर मैं उद्योग खड़ा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं वहाँ चाहूँगा कि हमारे बेरोजगारों को वहाँ रोजगार मिले, ताकि हजारों बेरोजगार भाई नवादा से जो बाहर जाते हैं उन्हें नवादा में घर में रोजगार मिले। उसके बाद किसानों के लिए मुफ्त बिजली, ताकि उनका उपाय बढ़िया हो। नवादा विधानसभा पिछले 30 वर्षों से दो परिवारों के कब्जे में, आप उस तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे और उस पर विजय कैसे हासिल करेंगे? जनता का प्यार, जनता विकास चाहती है, जनता दुख दर्द बंटवाना चाहती है कि हमारा जो दुख दर्द है उसमें शामिल हो, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। हमारे लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें अविश्वास हो गया है और इसलिए उन्हें नकारना चाहते हैं। हमारे लिए वो समर्पित हो रहे हैं कि अब आए हैं आप, समाज सेवक हैं। सलाम है सचमुच आपसे बता दूँ, मैं लगातार 30 वर्षों से सामाजिक कार्य में जुड़ा रहा हूँ, विभिन्न 24 संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जिसका अध्यक्ष हूँ, संरक्षक हूँ और सचिव हूँ। तो इस तरह से मैं समाज सेवा करते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ मैं नेता नहीं बनूँगा, समाज सेवा भी रहूँगा, समाज सेवा करता रहूँगा। आप अपनी जीत के बाद सबसे पहली प्राथमिकता नवादा के विकास में क्या दी? लोकल में कहूँ नवादा की सड़कों को ठीक करना, गोला रोड, स्टेशन रोड, पुरानी झील रोड, उसको ठीक करवाना। और साथ ही साथ मैं और कहूँ आगे तो दलितों महान दलितों की बस्ती में सुधार, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के बारे में आपका क्या विचार है? शिक्षा में जो गिरावट आई है उसमें मजबूती लाना, छोटे छोटे गांव में प्राइमरी स्कूल खुलवाना। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गाँव है जहाँ 500 बच्चे हैं लेकिन प्राइमरी स्कूल तक मुहैया नहीं हुआ, आज तक महरूम है वो बच्चे पढ़ने से, जहाँ सरकारी शिक्षा का अभाव है। कहा जाता है कि सबको शिक्षा देनी है, लेकिन यहाँ तो स्कूल ही नहीं, शिक्षा कैसे मिलेगी? सरकार उस पर ध्यान नहीं दी है और कहती है कि मैं शिक्षा का विकास करूँ, कैसे विकास होगा जब आपका स्कूल ही नहीं है? धन्यवाद सर। ये थे हमारे नवादा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आर के साहू। ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका खुद का 3-3 विद्यालय चल रहा है। यहाँ वैसे विद्यालयों में वैसे निर्धन परिवारों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं जो पैसे देने में असमर्थ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।